आइए और जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या है, किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर। सितंबर से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उससे पहले भी कितनी बार हम सभी अधिकारियों से मिले। जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि हमें समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, तब से हम लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद सभी लोगों को मजबूर होकर कदम उठाना पड़ा कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब हम काम बंद करके बैठेंगे तभी हमारा कुछ काम हो पाएगा। जब हम 18 तारीख से स्ट्राइक पे बैठे, उसके बाद इन लोगों की नींद खुली, उसके बाद ये हमें बुलाने लगे कि आ जाओ, हम तुम्हें क्या दें, क्या तुम्हारी मांगे हैं। हमने कहा हमारी सिर्फ एक मांग है, जितना काम करते हैं उतना पैसा हमें चाहिए। अगर मेरे साथ एक ही कमरे में दूसरा डॉक्टर बैठ के मुझसे 3 गुनी सैलरी लेता है और उसी काम के मुझे आप 1/3 पैसा देते हैं, तो मैं कैसे काम करूँगी। और ये कहानी सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है, ये कहानी ANM की भी है, स्टाफ नर्स की भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी है, सभी की सेम कहानी है। अब इन्होंने हमारी फाइल जो है LG कार्यालय में भेज दी है। LG कार्यालय में फाइल पड़े हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। हम चक्कर भी लगा चुके हैं LG ऑफिस के कि हमारी फाइल का, वो हर बार हमें झूठा आश्वासन दे देते हैं कि आपकी फाइल कल तक आपके ऑफिस पहुंच जाएगी, परसों तक आपके ऑफिस पहुंच जाएगी। दिवाली आने को बैठी है, 3,000 वर्कर सड़कों पे बैठे हैं। इन 3,000 वर्कर की कम से कम 20,000 जो है फैमिली मिलके बनती है। 20,000 लोग इस बार दिवाली नहीं मना पाएंगे, उसकी जिम्मेदारी आप किसको देते हैं? 20,000 लोग, इसकी जिम्मेदारी आप किसको देते हैं? जनता को, जनता के अधिकारों की। सरकार और LG के अधिकारों की लड़ाई में जनता के अधिकारों की कोई गिनती नहीं हो रही है। इतनी नेग्लिजेंस है जनता के अधिकारों के लिए। अरे अगर मैं जितना काम कर रही हूँ उतना पैसा देने में, इतना फाइल चलाने में क्यों टाइम लग रहा है? जिस देश में बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, उस देश में फाइल को मूव होने में 15 दिन लग रहे हैं। एक फाइल एक टेबल पर से खिसक नहीं पा रही है, इधर से उधर फाइल फेंकी जा रही है। हम क्या करें, हम मजबूर हैं। लेकिन मैम, आप बुलेट की बात कर रही हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर रही हैं, अभी मोदी जी का नारा, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी आज जोर से अपनी मांग को लेकर। आप ये सोचिए, इस NHM में 80% वर्कर्स जो हैं वो फीमेल्स हैं, और फीमेल सड़कों पे बैठी हैं। मैं क्या करूँगी जब मेरे को ही कुछ नहीं मिल रहा, मैं अपनी बेटी को बचा के क्या करूँगी? जिस देश में आप बेटी बचाओ का नारा देते हो, उस देश में बेटी को काम करने का पैसा नहीं देते। तो ये दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है, क्या कारण है दोहरी नीति अपनाने का? इस दोहरी नीति का कारण हमें समझ में नहीं आता है। हमारा तो सिंपल सा है, हम इस देश के नागरिक हैं, जो काम चाहिए उसका, जो काम कर रहे हैं उसका पैसा मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो हमने चुन के लोग बैठाए वो दें, या उन लोगों के साथ में जो अधिकारी हैं वो दें, हमें बस हमारी फाइल पे अप्रूवल चाहिए।